this, we know that this particular land. हाँ जी, कहाँ हो सेठ जी? भाई चीयर्स, कांग्रेचुलेशन तेरे को। अभी इसको शूज दिए और नए फिर लेने आ गए। फिर से जो एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। नए दिन की कहाँ, वैसे तो शाम होगी। एक्चुअल में क्या होता है ना, अपना सारा सामान पड़ा और एक वीडियो हमने जो अभी एडिट किया है और एडिट करके हमने यूट्यूब पे अपलोड भी कर दिया। देखो अपनी यूट्यूब की जर्नी जो है वो लगभग चल ही रही है। अब उसमें सक्सेस हो ही जाएंगे, नहीं होंगे बिल्कुल नहीं बोलेंगे, हो ही जाएंगे, कोई बात नहीं। तो फिलहाल के लिए यहाँ का वर्क कम्प्लीट होता है। अब हम चलते हैं बाहर कुछ मौज मस्ती करने, यार दोस्तों से मिलते हैं, देखते हैं क्या क्या करते हैं। सोचा साथ के साथ एक ब्लॉग क्यों ना बना लिया जाए। वैसे ना सच बता रहा हूँ कि अंदर से बहुत ज्यादा क्रेविंग हो रही है कि कहीं ट्रिप मार के आया जाए और उसके ब्लॉग डाले जाए। बट क्या करें कि आजकल लैंडस्लाइड इतनी ज्यादा हो रही है ना, मतलब समझ नहीं आ रही पहाड़ों में अभी तक लैंडस्लाइड क्यों चल रही है। मनाली का बुरा हाल है, हर जगह पहाड़ों, शिमला का बहुत ज्यादा बुरा हाल है कि जाए तो जाए कहाँ। देख लो भाई, 3 दिन पहले की वीडियो है और कुल्लू में देख लो क्या सीन चल रहा है। मतलब इन चीज़ों को देख के यार मतलब कोई प्लान नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है पेरेंट्स वगैरह भी अलाउ नहीं करते हैं। ठीक है यार, देखते हैं कहाँ का प्लान बनता है, कहाँ का प्लान नहीं बनता। अंदर से तो पूरी क्रेविंग है कि कहीं ना कहीं घूम के आए, बढ़िया सा ब्लॉग बनाए, यूट्यूब पर डालें। दोस्तों यही रहे थे कहीं ना कहीं का प्रोग्राम बना ले, बट क्या करें, सिचुएशन ऐसी है कि किसी के भी पेरेंट्स अलाउ नहीं करें कि इतनी ज़्यादा तबाही के बाद कोई किसी को जाने दे दे। तो फिलहाल के लिए अभी एक भाई को कॉल करते हैं और देखते हैं, अगर कोई ऐसे है ना कि चढ़ा दे, चल 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 कुछ भी नहीं होता, देखी जाएगी जो होगा, फिर तो चले भी जाएंगे। हाँ जी, कहाँ हो सेठ जी? मैं घर ही था। वहाँ से आ गया? काम तो गया था, भाई गया था। चल मैं घर की तरफ आ रहा हूँ फिर। चलो भी लो भाई, हमारे पुण्य का काम करते हुए क्या बात है। तो फाइनली आओ जी, आओ माल को, क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया। और चले फिर, आ जाओ आ जाओ, करते बंद लाइट फिर चलते हैं। कहाँ चलना है? एक छोटा सा काम है वो निपटा के आना, फिर उसके बाद आपसे ना मेरे को सिस्टम करना है। ठीक है तो ठीक है भाई, फाइनली जो छोटा सा काम था वो हमने कर लिया। अब ज्यादा टाइम है नहीं, तो सोच रहे हैं चलते चलते ही दो बातें आपसे कर लेते हैं। तो भाई क्या बता रहा, तेरे को क्रेविंग हो रही है बाहर घूमने की या नहीं, पहले तो ये बता मेरे को। बाहर घूमने की प्लानिंग तो बहुत हो रही है, बट ना हमारा वॉइस थोड़ी तेज रखे क्योंकि बाहर है। बाकी ना लैंडस्लाइड हो रहा है यार, तभी वो वही मैंने ब्लॉग में अपने वही बता रहा हूँ कि बहुत मन है यार, यहाँ तो क्या ही करें यार, है क्या यहाँ घूमने के लिए बाहर। वैसे तो भू संकलन कह रहा था, भू संकलन वही बोलते लैंडस्लाइड सही था। अरे लैंडस्लाइड काफी हो गया। तो मैं आपको बता रहा था ना, एक्चुअल में लैंडस्लाइड जितनी ज्यादा हो रही है ना, किसी का भी मन नहीं कर रहा फिलहाल के लिए बाहर जाने का। सॉरी, मन तो बहुत कर रहा है बट जा नहीं पा रहे हैं। बिकॉज तेरे को अलाउड है घर से कि भैया तू चला जा, तुम्हारा तो हिमाचल में घर है, तुम्हें तो पता है। घर वाले तो देख फिर भी कहेंगे चलो उनसे थोड़ा बहुत मेल मिलाप करके हम चले भी जाएंगे, बट आगे जो गवर्नमेंट ने वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगा के मेन दिक्कत वहाँ पर है। और वैसे ना अभी हमारा थोड़े मतलब एक दो दिन पहले ही प्लान बन रहा था कि क्या व्लॉग बना रहे, देखने से कोई दिक्कत नहीं है कि हरिद्वार ऋषिकेश चल जाते, पर ऋषिकेश में इतना आतंक है, तेरे को पता ऋषिकेश में कितना आतंक? ऋषिकेश में क्या हुआ? फुल पानी एकदम ऊपर तक आया हुआ है, फुल बाढ़ आई हुई है ऋषिकेश में। ऋषिकेश वो जो शिव जी वाली मूर्ति नहीं है वो दोबारा अंदर धस गई है। अच्छा जी, और क्या, जल बहाव बहुत तेज है, और ज्यादा तेज चला, वॉइस और नहीं आएगी। फिर तो मेरी बात, मुझे क्या लगता है ना, ऋषिकेश जाना पड़ेगा यार, अगर इतना पानी आया हुआ ना तो हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि इनको कैसे पता लगेगा, आगे रोकेगा पानी को। तो अभी के लिए जो कहा चलते हैं थोड़ी देर और घूमते फिरते हैं, फिर घर की और निकल जाएंगे। और अभी एक बात हो रहा है जो मैं भाई को भी बताऊंगा। चलो अभी फाइनली घर से इतनी दूर ये बंदा बस स्टैंड पे मुझे चाय पिलाने लाया है। क्या कहीं टूर पे निकले हुए हैं ये? मन तो देख कर रहा है टूर पे जाने और सुनी क्या की फीलिंग तो यही लेना चाह रहे हैं कि यही फीलिंग ले। यही है यार कि यार देख बाहर की तो फीलिंग मिल नहीं रही, तो अभी बस अपने अपने यहाँ की फीलिंग ले लेते हैं, कहीं टपरी में चाय पी लेते हैं बढ़िया। अपने बस स्टैंड पे अपने अपने हाँ तो पहाड़ों में बैठ के चाय पीते हैं, लेकिन आज अपने ही यहाँ तो बहुत लंबे समय के बाद बढ़िया बना रखे हैं, बहुत लंबे समय बाद अपने बस स्टैंड पर रात को चाय पीने आए स्पेशली। तो अभी के लिए ना मैं भाई को एक चीज़ और जो बताने चाह रहा था ना, चाय पीते पीते वो भी बता देता हूँ। देख भाई, अपनी जो सीरीज आने वाली है इस व्लॉग के बाद, अपनी सीरीज स्टार्ट होने वाली है, उसके लिए पहले कॉन्ग्रेचुलेशन तेरे को भाई, आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन, स्पेशली हमारी ऑडियंस को जो वो हमारे इतने लंबे टाइम से जुड़े हुए हैं, आगे भी वो देखेंगे व्लॉग। हाँ हाँ, वैसे थोड़ी बहुत ऑडियंस तो है ही, ऐसा तो नहीं कह सकते कोई भी नहीं है, जितने चाहे वो अपने घर के ही क्यों ना हो, क्यों भाई, जितने भी है हमारे लिए वो ही बेस्ट है। ठीक है, और भी हम होप कर रहे हैं कि आप इस वीडियो को शेयर करोगे ताकि आपकी फैमिली वाले भी इस व्लॉग को देखें। तो उस जब चीजों को छोड़ के मैं तेरे को ये बताता हूँ एक बार कि मैंने ना 2 सॉन्ग सिलेक्ट कर लिए अपने ट्रेलर के लिए जो हम वीडियो डाल रहे हैं, और वो 2 सॉन्ग मैं तेरे को बता रहा हूँ, तो अभी के अभी खोल के एक बार देख तेरे को कैसे लगते हैं बताओ। नहीं रहेगी, पहले सॉन्ग बताऊँगा क्योंकि वो सॉन्ग हमारा काफी जरूरी है।
हाँ भाई, एक तो ये हो गया पैराडॉक्स का सॉन्ग अपना पकड़ बम बम, भोलेनाथ से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, और सीरीज अभी भोलेनाथ की है, वो बाद में पता चलेगी कौन सी है कौन सी नहीं। पहला तो हो गया, ये बेस्ट है ना। ठीक है भाई, सेकंड गाना ये है भाई, सुन ले एक बार। दूसरा कैसा लगा भाई? गाना बहुत प्यारा है ना, दोनों बढ़िया। एक स्टार्टिंग का हो जाएगा, एक बीच में हो जाएगा कुछ, और 2 से 3 मिनट का टीजर जो है वो बना के यूट्यूब पे अपलोड कर दी। एक रिक्वेस्ट है यार, जो भी रिक्वेस्ट ओनर है इन सॉन्ग्स के, उनसे यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि यार कॉपीराइट मत लेना। बिल कल्याण और पैराडॉक्स भाई, एलपी यादव, एलिश की बात सुनोगे क्या? हमारी भी सुन लो प्लीज, कॉपीराइट मत देना। हम आपका सॉन्ग यूज कर रहे हैं, उसको फैला रहे हैं और ज्यादा, और अखिल भाई आप प्लीज, या आपकी किसी टीम के मेंबर तक भी पहुंच जाती है, तो प्लीज कॉपीराइट मत देना, सिर्फ। तो अभी का क्या सीन है ना, भाई ने मेरी ना फेसबुक आईडी इसे ढूंढ के निकाल दिया। एक्चुअल वो मेरे पास है नहीं आईडी, पासवर्ड मुझे पता नहीं है, इसने पता नहीं कहाँ से आईडी ढूंढ निकाल दिया। तो किसी टाइम हम भी डांसर हुआ करते थे किसी टाइम। हाँ जी हाँ, कितनी पुरानी मेमोरीज है यार उस आईडी में, मतलब वो आईडी है पड़ी, उसको निकालते हैं किसी न किसी तरीके। नहीं मैं निकाल दूंगा। कैसे निकाल दे? अभी मिनट लगाओगे, 2 मिनट में निकल जाएगी। चलो देखते हैं, अगर मिल जाते हैं ना, उसमें बहुत सारा डाटा पड़ा अपना पुराना पुराना सारा निकाल लेंगे, क्योंकि अपने पास इतने महंगे फोन तो हुआ नहीं करते थे, छोटे मोटे फोन हुआ। देखते निकल जाता ना वो सारा डाटा, हम अपनी वीडियोस में शेयर करेंगे। और दिखा कोई, ये तो फर्स्ट ईयर की है, फर्स्ट ईयर की ना, ये हमारी फर्स्ट ईयर की कॉलेज की। मैंने फेसबुक पे आर्टी की फोटो, ये था हमारा ग्रुप बी बॉय ग्रुप। चाय खत्म कर ले, निकलते हैं मेरे यहाँ से। लिए हम आए थे अपनी गाड़ी के पास, इसमें कुछ सामान पड़ा था जो हमें चाहिए, और कितनी गंदी भी हो रही है ये ना गाड़ी में। ये दो सामान पड़े थे काफी टाइम से, वैसे तो ये भाई के शूज है नवराज भाई के, और ये डब्बा इतने टाइम से पड़ा था, ये भी उठा लिया। ये डब्बा मम्मी गाड़ी देने वाली है बहुत ज्यादा, क्यों? क्योंकि लगभग पता नहीं कितने दिन से ये गाड़ी के अंदर ही पड़ा। गाली, उसको गाली नहीं कहते, वो मम्मी का एक प्रेम होता है। हाँ मतलब जो भी है, लठ भी मार सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो उठा के हम शॉपिंग करवाने ले आए थे, ये नवराज नाम का बंदा है, अभी इसको शूज दिए और नए फिर लेने आ गए। क्या बात है, दूसरे क्यों लेने आए? पैसा। तो इस बंदे की शक्ल देख रहे हो, गौर से ये बंदा लेके आ गया मुझे रेड टेप पे। शोरूम बंद है लेकिन कहता शूज तो लेने ही लेने हैं चाहे कुछ हो जाए। तो रिक्वेस्ट करके आया दोबारा लेकिन इसकी नहीं चली। तो ठीक है, फाइनली भाई घर पहुंच चुके हैं, शूज वगैरह मिले नहीं हमारे को, उसको कहीं और से पसंद आए नहीं, इसलिए कल ले लेगा रेड टेप जाके। आजकल ये अपना ऑफिस ही हो गया, यही वीडियो स्टार्ट होती है और यही एंड हो जाती है। कोई यार बाहर घूमने का ना, मतलब सच में चाहता हूँ कि बाहर घूमने जाऊँ, बट बाहर की जो न्यूज रिपोर्ट आ रही है ना, वैसे तो जाओ तभी पता चलता है, कुछ फेक भी होता है। मुझे लग रहा है सिचुएशन ठीक नहीं रहेगी जाने का, अगर मौका मिला तो जरूर निकल जाऊंगा। सॉन्ग्स हम यूज कर रहे हैं, देखो उस पे कॉपीराइट तो मुझे लगता है यूट्यूब ही दे देगा, बाकी देखो क्या होता है। के बाद जो सीरीज आने वाली है वो यार मतलब बहुत बढ़िया सीरीज आने वाली है, हम पता नहीं कैसी कैसी जगहों पे गए हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया जगह हुए हैं। बस इसके बाद जो वीडियोस आने वाली है ना वो मजा आ जाएगा, आप भी वॉच करना। होप करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब सब कुछ कर देना। मिलते किसी बड़ी सी वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय।